नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज है सफ़र का 17वां दिन। चार धाम यात्रा का सफ़र हो रहा है, जिसमें जो 17वां दिन है आज, और आज हम लोग यहां से उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा को ख़त्म ही कर देंगे और आगे का आंध्र प्रदेश में घुस जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखते हैं कि हमारा सफलता मिलता है या नहीं, क्योंकि कल तो हमारी साइकिल ख़राब हो गई थी, आप लोगों को पता ही है। साइकिल बनवाए हैं, आप अभी देख भी सकते हैं साइकिल को, दोनों टायर चेंज हो चुका है और ट्यूब भी चेंज हो गया है दोनों का। और हम लोग एक तरफ से साइकिल में लगभग सभी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो वीडियो रहेगा तभी ना डाला जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे कुछ देर के लिए, और ये जगह का क्या नाम है? हनी सिंह। इस जगह से आगे के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग गिरी 16 क्रॉस कर चुके हैं और ये NH-60 है, जो इसके अनुसार हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में घुस चुके हैं। उड़ीसा यहीं पर ख़त्म हो चुका है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी सी, और ये हमारी साइकिल, ये मत सोचिएगा कि पैदल ही है, और ये मेरा दोस्त, और यहाँ का वातावरण, और ये है रोड। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, और आंध्र प्रदेश में हमारा वेलकम तो कोई चीज़ नहीं है क्योंकि रोड खाली है। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। चल रही है, लगता है हम लोग को रुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कारापाडू में आ चुके हैं, पीछे टोल टैक्स है और हमारी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है चलाते चलाते, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ हैं दोस्तों, और जिस तरफ जाना है उधर से ही हवाएं आ रही हैं, तो साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी चलाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि चढ़ाई है, चढ़ाई हवाएँ सब कुछ एक ही साथ है, तो दिक्कत तो होगा ही दोस्तों। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, हम लोग रुके हुए थे रात में, जादूपुरी एक मंदिर थी आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे रात में, और वहाँ पर शोर शराबा को ज़्यादा ही म्यूजिक की वजह से हम लोग वहाँ का वीडियो बना नहीं पाए। सफ़र स्टार्ट हो चुका है, सुबह का 6 बज चुके हैं दोस्तों लगभग, और हम लोग आगे का सफ़र जारी रखे हैं। और दिन है आज 18वां दिन, चार धाम यात्रा का 18वां दिन, मतलब 18। ओके दोस्तों, तो वीडियो बने रहिए और आगे का सफ़र देखते रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे जहां पर रुके हुए हैं, ये हमारे लोग की साइकिल है, और यहां से विशाखापट्टनम 207 किलो, चेन्नई 963 किलो, NH-60 पर हम लोग चल रहे हैं। और इस सफ़र में दोस्तों, शायद ही आपको रास्ते में हम लोग बता नहीं पाए होंगे एक चीज़, अगर आपके पास मोबाइल भी ना हो और कोई भी चीज़ ना हो और इमरजेंसी में आप फंस जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, SOS का हर जगह आपको दिखेगा, हर 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये सोलर पैनल के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर
आप यहाँ बात कर कर आप इमरजेंसी में कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं इस रोड पर। सिर्फ इसको टिपना है और आपका बात होने लगेगा। नज़दीकी जो कुछ भी हो सेवा आपको मिल जाएगा और आगे का सफ़र आपका जारी रहेगा। अगर हम लोग की तरह ब्लॉगर हैं आपके पास कुछ ना रहे तो उसके लिए इमरजेंसी है। और यहीं तक नहीं, आप कोई भी सफ़र में चलने वाले हैं और आपके साथ कोई घटना हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग NH सिस्टम पर चल रहे हैं और हमारी वो साइकिल, आगे का सफ़र जारी रहेगा। चार धाम यात्रा का आज 18वां दिन है दोस्तों, 18 डेज। ओके दोस्तों, तो वीडियो बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक तिरंगा फेंका हुआ था, पता नहीं कौन फेंक दिया था, तो उसे हम लोग झंडा की तरह अच्छे से लगा दे रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक पेड़ था, पपीता का, तो उसको तोड़ कर लाएंगे।